एक छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी छवियों की चित्र गंध फैली मनभावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई या मिनी। कुतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो में संकलित कविता छाया मत छूना से संकलित है। इसके रचनाकार कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। प्रसंग इसमें कवि अतीत के सुख को याद करके वर्तमान के दुहक को और न बढ़ाने की सलाह अपने मन को दे रहा है। व्याख्या कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मन, तुम कभी छाया मत छूना अर्थात अतीत के सुख को याद करके वर्तमान के दुहक को और अधिक गहरा मत करना, अन्यथा दुख और बढ़ जाएगा। जीवन में सुखमय रंग बिरंगी सुहावनी यादें भरी हुई हैं। सुंदरता और सुखों की चित्रमय गंध युक्त स्मृतियां मन को भाने वाली प्रतीत हो रही हैं। तारों भरी चांदनी रातें व्यतीत हो गई हैं, अब तो उनसे प्रभावित शरीर ही शेष रह गया है। भाव यह है कि अब तो सुख के दिनों की स्मृतियां मात्र शेष रह गई हैं। रातों की चांदनी प्रेयसी के लंबे बालों में लगे सफेद तथा सुगंधित फूलों की याद दिलाती है। जीवन का एक एक क्षण बीती हुई बातों की यादों को छूता हुआ निकल रहा है। अतः हे मन, तुम अतीत के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को मत बढ़ाना, अन्यथा दुख और बढ़ जाएगा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दून। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग इसमें कवि जीवन के कठोर सत्य की ओर जाने के लिए कहता है। व्याख्या कवि कहता है कि हे मन, सुख समृद्धि मान सम्मान धन दौलत इत्यादि के चक्कर में पड़कर तुम जितना इन सब के पीछे दौड़ोगे उतने ही भावर जाल में फंसते चले जाओगे। अतः संतोष ही सबसे बड़ा धन है। समाज में बड़प्पन की चाहत में दौड़ना तुम्हारे लिए मृग तृष्णा के समान है। प्रत्येक सुख रूपी चांदनी रात में दू ख रूपी काली रात छिपी होती है, अर्थात सुख की वस्तु में ही दुहक छिपा हुआ है। तुम जीवन के कठोर सत्य को पहचान कर उसकी पूजा करो, अर्थात संसार की वास्तविकता को स्वीकार करो। अतः तुम अतीत के सुख को याद करके वर्तमान के दुहक को और अधिक गहरा मत करो। तीन दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग इसमें कवि मन से दुख दूर करने के लिए कहता है। व्याख्या कवि कहता है कि हे मन, तू दोनों ओर के ध्यान को छोड़कर एक सही राह को अपना ले। तेरे पास साहस की कमी नहीं है, तुझे दिखाई तो देता है परंतु सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। शरीर को सुखी बनाने के लिए अनेक साधन हैं, परंतु मन के दुख करने का किसी के पास उपाय नहीं है। को तुझे यह दुख है कि शरद रात अर्थात सुख के दिन आने पर भी चंद्रमा में चमक सुख की आभा नहीं है। बसंत ऋतु के जाने के बाद यदि फूल खिले तो उनसे क्या लाभ है। कभी कभी बसंत के जाने के बाद भी फूल खिलते हैं, अर्थात दुख के बाद सुख मिलता है। जो वस्तु तुझे नहीं मिली उसे भूलकर तू भविष्य में करने वाले अच्छे कार्यों में लग जा। अतः तुम अतीत के सुख को याद करके वर्तमान काल एक दुख को मत बढ़ाओ।